दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह चावड़ा, मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग से। और उज्जैन संभाग में किसानों को एक बहुत ही बड़ी समस्या परेशान कर रही है, और वह समस्या है सोयाबीन में अफलन। दोस्तों, हर क्षेत्र से, हर गांव से बस एक ही खबर आ रही है कि सोयाबीन में बिल्कुल भी फल नहीं है। और इसी स्थिति में किसान घबरा कर दौड़ कर दुकानदार के पास जाता है शहर में, और दुकानदार उनको महंगी महंगी दवाइयाँ दे देता है, क्योंकि सभी किसान को जानकारी नहीं होती है कि किस चीज़ के लिए किस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में दुकानदार उनको महंगी महंगी दवाइयाँ, बहुत सारे प्रोडक्ट है, ग्रोथ रेगुलेटर, टॉनिक, बहुत सारी दवाइयाँ और बहुत ही ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट उनको किसान को दे देते हैं। और किसान अपनी फसल को बचाने के लिए वो प्रोडक्ट ला भी रहे हैं। दोस्तों, देखिए, मैं खेत के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूँ और मैं मेरे खेत में फल की स्थिति आपको बताऊँगा। बहुत ही अच्छा फल मेरी सोयाबीन ने लिया है। यह 95-60 सोयाबीन है और इसमें फल को लेकर, फूल को लेकर कोई समस्या नहीं है। ये देख सकते हैं आप, दोस्तों, हमने यह सोयाबीन पूरे 60 बीघा में लगा रखी है। इसकी वेराइटी 95-60 है और किसी भी खेत में अफलन जैसी कोई भी समस्या हमारे साथ नहीं हुई है। परंतु जिन किसानों के साथ सोयाबीन में अफलन की समस्या हो गई है, वहाँ घबरा कर महंगे महंगे प्रोडक्ट ना खरीदें। दोस्तों, अफलन बहुत से कारणों से हो सकता है, उस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। परंतु अगर आपके साथ अफलन हुआ है, आपकी सोयाबीन में अफलन हुआ है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी फसल अच्छी है, तना अच्छा है, तो वहाँ वापस से उसमें फूल आ जाएंगे, फल आ जाएंगे। हाँ, पैदावार पर ज़रूर थोड़ा फर्क पड़ेगा, परंतु घबराने की ज़रूरत नहीं है। महंगे महंगे प्रोडक्ट लाकर छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तना अच्छा है, फसल अच्छी है, तो उसमें अपने आप ही वापस से फूल और फल आ जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी फसल थोड़ी कमज़ोर है, उसका तना कमज़ोर है, तो आप सिर्फ दो प्रोडक्ट का छिड़काव कर दें। दोस्तों, आप पहला प्रोडक्ट कीटनाशक ले सकते हैं। कीटनाशक में जेकेल नाम से धनुका कंपनी का रहा है, जिसमें लेमड़ा साइलोथ्रिन 4.9% होता है। यह CS फार्मूला में होता है। दोस्तों, यह तो हो गया जेकेल धनुका कंपनी का, परंतु आप किसी भी कंपनी का कोई सी भी दवाई ले सकते हैं, परंतु उसमें लेमड़ा साइलोथ्रिन 4.9% होना चाहिए। लेमड़ा साइलोथ्रिन यह एक संपर्कनाशी है जो मच्छरों को और छोटी इल्लियों को मार देगा। ध्यान रहे, लेमड़ा साइलोथ्रिन 4.9% CS फार्मूला में। इसके साथ आपको एक और प्रोडक्ट देना है, वह है टॉनिक। आप किसी भी कंपनी का बेस्ट टॉनिक ले सकते हैं। सबसे बेस्ट टॉनिक डबल गोदरेज, फिनटेक प्लस, बायोविटा, ये अच्छे टॉनिक है। इसके अलावा आप अपने हिसाब से कोई सा भी टॉनिक ले सकते हैं। बस इन दो प्रोडक्ट को आपको छिड़काव करना है और किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई नहीं लेनी है। दोस्तों, आपकी फसल अगर अच्छी है, तना अच्छा है, तो आपको किसी भी प्रोडक्ट का छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी अगर छिड़काव करना चाहता है, तो इन दो चीज़ों का छिड़काव कर दें। एक तो टॉनिक है, दूसरा कीटनाशक है। कीटनाशक में लेमड़ा साइलोथ्रिन 4.9% CS फार्मूला में लेनी है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेना है। बहुत सारे किसान लियोसिन जैसे ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग कर रहे हैं, आपको किसी भी दूसरे प्रोडक्ट का उपयोग नहीं करना है। दोस्तों, अभी मौसम भी साफ है, इसलिए आपको चिपको का भी उपयोग नहीं करना है। जितना कम से कम केमिकल का उपयोग किया जाएगा, उतनी ही दवाई ज़्यादा असर करेगी और आपका जेब खर्च भी बचेगा। इसलिए खर्च कम करें और अच्छा करें। दोस्तों, ये जो दवाई मैंने बताई है, एकदम प्रैक्टिकली प्रमाणित है। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी मिल जाए और किसान सही प्रोडक्ट का उपयोग करके आर्थिक लाभ भी प्राप्त करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी किसान को ये जानकारी मिल सके और सभी ज़्यादा खर्चा करने से बचें और उचित प्रोडक्ट का उपयोग करें।
धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद जय किसान।